रेल में दुनिया को हम स्वर्ग बनाए खेल खेल में खेल खेल में। पहला वादा बूंद बूंद कर तेल बचाए तेल बचाए। जल है जीवन आओ सबको ये समझाए ये समझाए। दूसरा वादा पेड़ों पर फूल खिलाए शुद्ध हवा से दुनिया को महकाए। एनर्जी देती हमको जीवन जीवन नहीं गवाना है। खोल कर हर पिंजरे को हमें हर पक्षी को उड़ाना है। एक संकल्प एक कसम आज हम उठाते हैं मातृभूमि की रक्षा में संरक्षण का दीप जलाते हैं। संरक्षण का दीप जलाते हैं। आँखों में है ख्वाब अनेकों इन बच्चों की रेल में दुनिया को हम स्वर्ग बनाए खेल खेल में खेल खेल में बदलो दुनिया। नमस्कार, मैं हूं विशाल और मैं हूं अनु और आपका स्वागत है जानकारी और मनोरंजन के इस अनोखे समागम में जिसका नाम है खेल खेल में बदलो दुनिया। खेल खेल में बदलो दुनिया। तो अनु जी बताइए कैसे मिजाज हैं आपके आजकल? विशाल मैं तो ठीक ठाक हूँ मगर हाँ नेचर बिगड़ रहा है। एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि दिन ब दिन तुम्हारा नेचर कुछ बिगड़ता जा रहा है। विशाल मैं नेचर यानी प्रकृति की बात कर रही हूँ। ओहो एग्जैक्टली वो भी बिगड़ता जा रहा है साहब। जिस मुस्तैदी से जिस रफ्तार से आजकल पेड़ काटे जा रहे हैं अगर उतनी ही सतर्कता पेड़ लगाने में लगाई जाए ना तो ही ये संतुलन बन सकता है वरना प्रकृति बहुत बड़े खतरे में। एग्जैक्टली आपको ये बातें बहुत छोटी छोटी लगती है ना पर जानते हैं ये छोटी छोटी बातें ही जीवन में कभी कभी बहुत काम आती हैं। यकीन नहीं आता खुद ही देख लीजिए। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी हमें डर है हम खो न जाए कहीं। दोस्तों अगर इसी तरह से पेड़ कटते रहे तो एक दिन ये सुहाना मौसम और हम सच ही कहीं खो जाएंगे क्योंकि पेड़ों के कारण ही बाढ़ और कुदरत के संतुलन को बनाए रखने में हमें मदद मिलती है। प्रकृति की सुंदरता को अगर हमें बनाए रखना है तो हम सब एक एक पेड़ जरूर लगाएं। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर अवश्य लगाएं। आइए आपको परिचित कराते हैं हमारी आज की दोनों टीम से। सबसे पहले टीम शक्ति जो आई है दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो झारखंड से। हमारी आज की दूसरी टीम है टीम रक्षक जो आई है एचएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर पंजाब से। साथ ही स्वागत हमारे नन्ही मुन्नी स्कोरर बूंद का। और इसके साथ ही साथ स्वागत है स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हमारी बहुत ही बढ़िया ऑडियंस का। तो चलिए साहब शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड जिसका नाम है कुछ कर दिखाना है। जी हाँ यही वो राउंड है जहां हमारी दोनों टीम्स यहां आकर अपनी परफॉर्मेंस के जरिए कुछ ना कुछ कर दिखाती हैं और एक बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज हम तक पहुंचाती हैं। तो सबसे पहले टीम शक्ति देखो देखो भानु आया मोटर गाड़ी के जमाने में साइकिल लाया। साइकिल अगर सड़क पे आएगी तो मोटरों की खुराक बन जाएगी। और ए दोस्त कोई भी लड़की कभी अपने पास नहीं बिठाएगी। साइकिल का जमाना लग गया है मोटर कार है तो हमारे पास आओ और फिर हमें अपना दोस्त बनाओ। क्या बात है आज जो साइकिल चलाए वो ओल्ड फैशन माना जाता है उसका कुछ नहीं है स्टेटस ये उसे बताया जाता है। ए बाबू अरे ओ भाई जब साइकिल चलाओगे तो इसके गुण जान पाओगे। ये निकली मोटी तोंद अंदर हो जाएगी। सेहत रहेगी अच्छी जीवन में चुस्ती स्फूर्ति तंदुरुस्ती आ जाएगी। पर थोड़ी थोड़ी दूर के लिए मोटर कार क्यों निकालते हो? इससे होती है कीमती पेट्रोल डीजल की बर्बादी ये बात क्यों नहीं जान पाते हो?
साइकिल चलाना तो है अपनी सेहत को आनंद पहुंचाना, शरीर रहता है इससे फिट, वातावरण भी रहेगा प्रदूषण रहित। साइकिल में रिफ्लेक्टर और सफेद मडगार्ड का ही करें इस्तेमाल, चले अपनी ही लेन पर, ना हो जिससे आप एक्सीडेंट का शिकार। तो भाई, तो बहन, अंकल, आंटी, साइकिल को बनाएं अपने जीवन का अंग, तो देखें सेहत रहेगी हमेशा आपके संग। पेट्रोल डीजल का भी होगा कम इस्तेमाल और आपकी जेब पर भी नहीं पड़ेगा ज्यादा भार। तो साइकिल चलाए, सेहत बनाए, वातावरण प्रदूषण रहित बनाए। साइकिल चलाए, सेहत बनाए, वातावरण प्रदूषण रहित बनाए। साइकिल चलाए, सेहत बनाए, वातावरण प्रदूषण रहित बनाए। अब देखते हैं टीम रक्षक आप तक कौन सा संदेश पहुंचाना चाहती है। टीम रक्षक, ओहो ये क्या, परमान सर कमरे में नहीं है, एसी और लाइट्स दोनों ऑन है, कितना वेस्ट करते हैं ये लोग, मैं अभी बंद कर देती हूँ। लस्सी लस्सी। हाँ जी सर। व्हाट इज दिस, ये एसी और लाइट्स अभी तक बंद क्यों है? सर सर वो मैंने, परमान सर ये आजकल ऑफिस का काम कम और पीएन का काम ज्यादा करती है, पंखे और एसी के स्विचेस ऑफ करती रहती है, जाते हुए देखकर जाती है कहीं कोई कंप्यूटर तो नहीं चल रहा। डरी नाम तुम्हारा डरी जरूर है, पर तुम डरती नहीं हो कि अगर परमा ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो तुम्हारा क्या होगा? I'm sorry, कास, नाम तुम्हारा कास जरूर है, पर मैंने तुम्हें कभी कास करते हुए नहीं देखा, you know, काम कास। ये क्या चल रहा है कास? तुम अकाउंट से फाइल लाए, ये खर्चे इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं, हम इन्हें कैसे कम कर सकते हैं? शो मी द फाइल। ये क्या, एक तरफ से यूज्ड पेपर। सर मैंने ही कहा था कास सर से, हम रफ काम यूज्ड पेपर पर कर सकते हैं क्योंकि उसका एक साइड बेकार जाता है ना। लस्सी प्लीज तुम ये अपनी मिडिल क्लास सोच घर पर ही छोड़कर आया करो। ओह माय गॉड, कोई मुझे एक ग्लास पानी देगा? लीजिए सर। व्हाट इज दिस, ये क्या, आधा ग्लास पानी? लस्सी गिव मी एक्सप्लेनेशन। सर सर वो आप हमेशा ही आधा ग्लास पानी पीते थे और आधा पानी वेस्ट होता था तो मैंने। ओहो तो बचत की रानी जी, आपने तो परमान का खाना भी अदा कर दिया होगा। जी सर अच्छा किया ना। लस्सी तुम्हारी तो नौकरी गई, अब मैं बनूंगी परमान सर की असिस्टेंट, तब सब ऐश करेंगे, एसी चलेगा, पंखे चलेगा, पानी भरेगा और भर भर के खाना आएगा। शट अप डेरी, तुम अपना काम करो। हाँ लस्सी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है। जी सर मैं यही तो बताना चाहती थी, इस बारी हमारे गारमेंट हाउस काफी प्रॉफिट में है। कैसे, मॉडल्स ने क्या और छोटे छोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए जिसे कपड़ा कम खर्च हुआ है? नहीं काश सर आपके लिए ये प्रॉफिट हो सकता है, पर वास्तव में गारमेंट हाउस की छोटी छोटी बचतों से ही ये प्रॉफिट हुआ है। पहले हमारा बिजली का बिल जो लाखों में आता था अब वो हजारों में आया। देखिए सर। वाओ बचत की रानी, इससे हमारे नहीं हमारे देश को भी फायदा हुआ है। अरे इस बार तो पानी का भी बिल बहुत कम आया है और कागज वालों ने भी बहुत कम का बिल भेजा है। यही नहीं सर, ऑफिस का जो पेट्रोल का बिल दे देकर कंपनी को आधा घाटा होता था अब वो भी कम हो गया है। मैंने पूरे स्टाफ के लिए एक बस लगवा दी है, कल से आप भी हमारे साथ आएंगे। नो वे। क्यों नहीं यार, ये तो अपने देश में शोषण है, विदेशों में तो बहुत सी स्टेट में आता है जिसमें पीएन आता है। हाँ यार मेरा तो इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं गया कि हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपना ही नहीं पूरे देश को फायदा पहुंचाते हैं। मेरा ध्यान गया था सर पर मैं डर गई थी यू नो। तभी तो तुम्हारा नाम परी नहीं डरी है यू नो। जिंदगी भर यूं ही चेहरों पर आपके मुस्कुराहट रहे तो बर्बाद मत करिए कुछ भी, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और देश और अपने को फायदा पहुंचाइए। धन्यवाद। दोनों टीम ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, मगर हमारी ऑडियंस को साइकिल पसंद आई है लस्सी, जल्दी से बताइए टीम शक्ति को क्या स्कोर देंगे। और लस्सी ने आपको कितना मथा बताई है, उनको आप कितने अंक दे रहे हैं? वो आप हमें ये बताइए कि आपको क्या पसंद आया और इस राउंड में किस टीम ने कितना स्कोर किया। शक्ति टीम को मिलते हैं 500 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 430 पॉइंट्स। तो साहब बूंद ने अपना वर्डिक्ट तो सुना दिया, अब इस खेल में बहुत कुछ बाकी है, बाजियां खत्म नहीं होती, लेकिन हमें दम लेने को कुछ वक्त चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खेल खेल में बदलो दुनिया।
Surprisingly, people continue to look for ridiculous ways to save money. While one simple way is to drive sensibly. Use your clutch sparingly. Drive at speeds between 45 to 55. Switch your engine off at traffic red lights. That saves money. Save petrol. Save money. Okay. Petroleum Conservation Research Association. अपने पैर को हमेशा क्लच पेडल पर मत रखिए, इससे पेट्रोल अधिक खर्च होता है। खेल खेल में बदलो दुनिया। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत। एक बहुत खूबसूरत लाइन है जिससे मैं आराम शुरू करना चाहूंगा। सिर्फ एक बार सोचने की बात है, फिर कहीं दुनिया बदलने में वक्त लगता है। एग्जैक्टली, सोचने भर की ही बात है। अगर आप सोचें तो वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे प्रोग्राम के दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम ही है दुनिया बदलने की बात। वेल टीम्स, हम आपको इस राउंड में क्लिपिंग दिखाएंगे। ये एक बजर राउंड है, इस क्लिपिंग को गौर से देखिएगा क्योंकि इसी क्लिपिंग में बेस्ड होंगे हमारे इस राउंड के सवाल। ये रही क्लिपिंग। देश के हर राज्य में बिजली की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यही हाल महाराष्ट्र का भी है। गत वर्ष यहाँ बिजली का प्रोडक्शन डिमांड की तुलना में 4000 मेगावाट कम था। इसका प्रभाव पूरे महाराष्ट्र पर पड़ा, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। महाराष्ट्र का ग्रामीण जनजीवन कृषि पर आधारित है। यहाँ बिजली की अत्यधिक खपत या तो मोटर पंप चलाकर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए या फिर आटा चक्की जैसे हल्के व्यावसायिक उपकरण चलाने में होती है। 4000 मेगावाट के पावर शॉर्टेज से निजात पाने का सरकार के पास एक ही उपाय था, लोड शेडिंग। यानी कई ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना 12-12 घंटों तक बिजली की कटौती। जब भी ये लोड शेडिंग हम रात के टाइम करते थे, उस टाइम में पूरा अंधेरा होता था। ये अंधेरे में महिलाओं को असुविधा निर्माण होती थी, दवाखानों में प्रॉब्लम्स होते थे, स्टूडेंट्स उनका स्टडी नहीं कर पाते थे। इसलिए हमारे जो कंज्यूमर्स है उनमें बहुत बड़ा अनरेस्ट पैदा हुआ था। तो इसके लिए हमने सोचा कि इसका कुछ तकनीकी इलाज किया जाए। तो घर में हमारी जो है वो सिंगल फेज यूटिलिटी होती है और बाकी पंप और चक्की वगैरह जो चलती है वो थ्री फेज यूटिलिटी होती है। थ्री फेज यूटिलिटी का लोड ज़्यादा होने की वजह से उसको बंद करके सिर्फ घर का लोड चलाया जाए तो हम लोग ये शाम के समय गृहिणी और स्टूडेंट्स को बिजली दे सकते हैं। इसलिए हमने वो सिंगल फेज योजना के बारे में सोचा और उसके ऊपर अमल किया हुआ है। सिंगल फेजिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत पूना जिले के बारामती डिवीजन में हुई। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बिजली उपकेंद्रों पर सेंट्रली कंट्रोल्ड रोटरी स्विच स्ट्रक्चर्स लगाए गए। ये उपकरण आसानी से थ्री फेज इनपुट पावर सप्लाई को सिंगल फेज आउटपुट सप्लाई में बदल देते हैं। इसकी कार्य प्रणाली कुछ इस प्रकार है। थ्री फेज सप्लाई में तीन फेज होते हैं, आर यानी रेड, वाई यानी येलो और बी यानी ब्लू। रोटरी स्विच स्ट्रक्चर्स ऑपरेट करने पर दो फेजों की सप्लाई रोक दी जाती है और आउटपुट के तीनों तारों को एक ही फेज से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार यहां आउटपुट के तीनों तारों में आर फेज के करंट की ही सप्लाई शुरू हो जाती है। उपकेंद्र में तीन रोटरी स्विच स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। एक के आउटपुट को आर फेज से जोड़ा जाता है, दूसरे के आउटपुट को वाई से और तीसरे के आउटपुट को बी फेज से। इस प्रकार आर, वाई और बी के इस संतुलित आउटपुट से ट्रांसफार्मर का लोड बैलेंस बना रहता है। गांव के निवासी क्षेत्रों में पहले के थ्री फेज ट्रांसफार्मर की जगह तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं। ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स थ्री फेज सप्लाई मिलने पर थ्री फेज करंट का आउटपुट देते हैं और सिंगल फेज सप्लाई मिलने पर आसानी से सिंगल फेज आउटपुट देते हैं। इस प्रोजेक्ट द्वारा एक तीर से दो निशाने साधे गए। शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान थ्री फेज की सप्लाई काटने से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 80% से ज्यादा लोड रिलीफ मिल गया और इन्हीं 12 घंटों में
सिंगल फेज की पावर सप्लाई जारी रही, जिससे गांव के निवासी क्षेत्रों में रात को भी बिजली मिलती रही। सिंगल फेज शुरू होने से पहले जो हमारे यहाँ पे जो पेशेंट एडमिट होते थे, मैक्सिमम महीने में हमारे लैप्रोस्कोपिक कैंप के 45-50 ऐसे ऑपरेशन होते हैं, 35 तो होते ही हैं। और ट्यूबेक्टॉमी के जो ऑपरेशन है वो हफ्ते में 5 और 6 ऐसे ऑपरेशन रहते हैं। वो पेशेंट जो है हफ्ते भर एडमिट रहते थे, और रात को कुछ अगर इमरजेंसी हो गई, इतने सारे पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होता था तो फिर बहुत मतलब हमको तकलीफ होती थी। अगर सिंगल फेजिंग नहीं होती तो नाइट स्कूल चला ही नहीं सकते ना। सिंगल फेजिंग के बाद नाइट स्कूल अच्छी तरह हम चला सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र में हमने 10,000 गांवों को गांव में सिंगल फेजिंग करने का प्लान किया था। उसमें से करीब 7,000 गांव में 235 करोड़ रुपया खर्चा करके हमने ये सिंगल फेजिंग योजना का कार्यान्वित की है, और उसके तहत हमको करीब 900 मेगावाट इतनी बिजली की बचत अभी तक प्राप्त हो रही है। महाराष्ट्र के गाँव में सिंगल फेजिंग प्रोजेक्ट का खुले दिल से स्वागत हो रहा है। अब ढलते सूरज से किसी को भी डर नहीं, क्योंकि बिजली की लगातार उपलब्धता के कारण एक उज्जवल भविष्य का निर्माण संभव हो रहा है। ओके टीम्स, तो इससे पहले कि सवाल जवाब का ये सिलसिला हम शुरू करें, हम आपको बता दें कि ये बजर राउंड है, 100 points फॉर एवरी राइट आंसर, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो प्लीज कोशिश जरूर कीजिएगा। बट सवाल खत्म होने से पहले बजर दबा के पड़ोसी की मदद करना चाहें तो जरूर करें। अगर आपने ऐसा किया तो आप उस सवाल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो सवाल दूसरी टीम के पास चला जाएगा। आपका पहला सवाल, महाराष्ट्र में बिजली के जनरेशन और डिमांड में कितना अंतर था? शक्ति 4000 मेगावाट। 100 पॉइंट्स, राइट आंसर। सवाल नंबर 2, ऑल सेट, हियर वी गो। सिंगल फेजिंग से थेफ्ट ऑफ एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ा है? रक्षक, इसे पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो पाती है, हॉस्पिटल में प्रॉब्लम आती है। टीम शक्ति, वुड यू लाइक टू ट्राई? स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में दिक्कत होती है? दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत नहीं होती है। सिंगल फेजिंग से। एनीथिंग एल्स, कुछ और? दवा का प्रॉब्लम होता है? अब वो कहेंगे दवा का प्रॉब्लम नहीं होता। आप सवाल की लाइन से बिल्कुल अलग थे, आपने सवाल यहां शायद पूरा सुना नहीं। सवाल था सिंगल फेजिंग से थेफ्ट ऑफ एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ा है, जिसका जवाब है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हुक लगाकर कृषि कार्य आदि के लिए 3-phase सप्लाई का गैर कानूनी उपयोग करते थे। सिंगल फेजिंग के बाद उन्हें 3-phase सप्लाई अब 12 घंटे के लिए नहीं मिलती, जिससे थेफ्ट ऑफ एनर्जी नहीं हो पाती। जो बिजली की चोरी होती थी वो अब नहीं हो पा रही है। लेकिन आपके 100 marks तो हमने चुरा लिए, आई एम सो सॉरी। एनीवेज, वन मोर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। बिजली उपकेंद्र में सेंट्रली कंट्रोल्ड रोटरी स्विच स्ट्रक्चर क्या काम करता है? शक्ति, रेड इज कंटिन्यूड, जैसे कनेक्टेड था वैसे ही रहेगा। येलो का कनेक्शन तोड़ के रेड में जोड़ा जाता है, और ब्लू का कनेक्शन तोड़ के उसे येलो में जोड़ने के कारण वो भी रेड से जुड़ जाता है। मतलब 3-phase इनपुट इज चेंज टू 1-phase आउटपुट। इट्स राइट आंसर, 100 पॉइंट। भाई इस राउंड में तो बहुत ही मजा आया, सवाल जवाब खूब आड़े टेढ़े तरीके से खेले गए, मगर बूंद इस राउंड का स्कोर क्या रहा? शक्ति टीम को मिलते हैं 200 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 0 पॉइंट्स। बकअप। तो साहब ये रहा सूरत हाल हमारे राउंड नंबर 2 का, लेकिन राउंड नंबर 3 है, इज बिलीव टू बी द डिसाइसिव राउंड। उस राउंड में एंटर करने से पहले हम एक छोटा सा अवकाश लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बचाओ जी, वेलकम बैक। और जनाब अब हम आ गए हैं हमारे खेल के डेंजर जोन में, यानी हमारा तीसरा राउंड जिसका नाम है देखो मगर ध्यान से।
हम आपको किसी फेमस पर्सनालिटी की यंग फोटोग्राफ दिखाएंगे जिसे आपको पहचानना होगा। और अगर आपने उसे हमारे बिना किसी क्लू को दिए पहचान लिया तो आपको 200 बम्पर पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके 100 पॉइंट हम ले लेंगे। उसके बाद हम आपको दो क्लूज देंगे। पहला क्लू देने पर अगर आपने पहचान लिया तो आपको 150 पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं पहचान पाए गलत जवाब दिया तो -50। दूसरा क्लू देने के बाद अगर आपने पहचान लिया तो +100, गलत जवाब दिया तो -50। ऑल सेट, आइए देखते हैं ये फोटोग्राफ। टीम्स, ये तस्वीर काफी पुरानी है और जानी पहचानी भी है। बस यही क्लू हम आपको दे सकते हैं फ्री में। टीम शक्ति कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए। हिट द बजर, सोच लीजिए 200 पॉइंट्स। टीम रक्षक, आपको लग रहा है आपको जवाब आ रहा? अरे बता दीजिए ना। आएंगे तो 200, गए तो सिर्फ 100। टेक अ चांस, नहीं तो हम बढ़ रहे हैं पहले क्लू की तरफ। सोच लीजिए, बढ़ना ही पड़ेगा। कम ऑन द फर्स्ट। ठीक है, 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करी। बताओ, हमें बताओ। शक्ति, लता मंगेशकर। राइट आंसर। अब हम आपसे लता जी के बारे में ही 3 सवाल पूछेंगे जिनमें आपको हर सही जवाब में मिलेंगे 100 पॉइंट्स और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। और ये बजर राउंड है। ऑलराइट, आपका पहला सवाल। सन 1991 तक गिनीज बुक में उनके नाम से कौन सा रिकॉर्ड था? शक्ति, सबसे कम उम्र में गाना शुरू करना। टीम शक्ति, आई एम सो सॉरी। टीम रक्षा, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? नो नेगेटिव मार्किंग। वेल, आई डोंट थिंक सो, दे आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द आंसर। द आंसर इज उन्हें द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड के नाम से लिस्ट किया गया था। सवाल नंबर 2। सन 1969 से उन्होंने कोई भी फिल्म फेयर अवार्ड क्यों नहीं जीता? रक्षक, गले नहीं मारी थी। गुड वन, गुड वन, बट दैट्स नॉट द राइट आंसर। टीम शक्ति, वी कैन नॉट गेट अ शॉट ऑफ टाइम। नो, सॉरी, पास। नए कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए सन 1969 में से उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड स्वीकार करना बंद कर दिया था। सन 1994 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के अलावा उन्होंने अब तक कोई भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं लिया। इट्स जस्ट बिकॉज के वो नए टैलेंट को प्रमोट करना चाहती थी। चलिए जनाब, आखिरी सवाल है, देखते हैं क्या जवाब आता है। फिल्मों में वो बाल कलाकार के रूप में अभिनय करने के लिए क्यों मजबूर हुई? शक्ति, उनके उनके पिताजी का देहांत हो गया था, उनके घर को चलाने के लिए कोई भी नहीं था, तो मतलब कि लाइवलीहुड कमाने के लिए वो। दिस इज द राइट आंसर, 100 पॉइंट्स। सवाल जितने इंटरेस्टिंग थे उससे कहीं ज्यादा हैरान परेशान करने वाले इनके जवाब थे। मगर बोल, इस राउंड में हमें क्या स्कोर देखने को मिल रहा है, जल्दी से बताइए। शक्ति टीम को मिलते हैं 250 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 0 पॉइंट्स। बकअप। थोड़ा सा क्विज अब आपके साथ खेल लिया जाए, तो फिर तैयार हो जाइए, उठाइए कागज कलम और ध्यान से सुनिए हमारा आज का सवाल। नवजात शिशुओं में किस विटामिन के प्रभाव के कारण न्यूरल ट्यूब विकृति उत्पन्न होती है? इज इट विटामिन डी, फॉलिक एसिड, विटामिन बी और विटामिन सी? आपके जवाब हमें एक सप्ताह के भीतर मिल जाने चाहिए। हमारा पता है PCRA 10 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066। आप हमें 9811771717 पर SMS भी कर सकते हैं। हमारे एपिसोड नंबर 127 के सवाल का सही जवाब है सभी, यानी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास। और सही जवाब भेजकर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से इनाम पाने वाले भाग्यशाली विजेता हैं। आज का इनामी पत्र हमें भेजा है डॉक्टर सनी शर्मा ने, राजेंद्र नगर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा से। और अब फाइनली वो घड़ी आ ही गई जब फाइनल स्कोर हमारे सामने आ चुका है। तो चलिए साहब, करते हैं बूंद की तरफ रुख, पूछते हैं बूंद, बताएं कि आज का हमारा फाइनल स्कोर क्या है। शक्ति टीम को मिलते हैं 950 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 430 पॉइंट्स। टीम शक्ति, आप बनी हैं हमारी आज की विनर, कंग्रेचुलेशन। लेकिन टीम रक्षक, आपको जवाब पता था लेकिन आपने आपस में ही बताया, हमको नहीं बताया, वरना कुछ अंक मिल जाते। नेवर माइंड, इवन यू प्लेड वेरी वेल, कांग्रेचुलेशंस।
हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से ये आकर्षक इनाम। हमारे पार्टिसिपेंट्स के प्रोत्साहन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती रेवा नैयर, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नमस्कार जी। मैम, हम चाहेंगे कि आप चाइल्ड न्यूट्रिशन पे हमसे कुछ बातें शेयर करें, प्लीज। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा देश है भारतवर्ष, वो एक शिशु प्रधान देश है। इस वक्त 42 करोड़ बच्चे हैं 0 से लेकर 18 की उम्र में। तो आप सोचिए कि भारत की असली शक्ति इस वक्त उसके बच्चे हैं, असली ताकत उसके बच्चे हैं और असली संपत्ति उसके बच्चे हैं। इसलिए बच्चों की देखभाल, उनका पालन पोषण, उनकी खुराक और उनका न्यूट्रिशन बहुत अहमियत रहती है इस बात की। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, खासकर जो बच्चे गरीबी की दर से नीचे हैं, उनके पालन पोषण में ध्यान देना चाहिए। पैदा होने के बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए 6 महीने के लिए। उसके बाद हर तरह से कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को संतुलित और पौष्टिक आहार हर वक्त मिले, जिसमें अनाज भी हो, फल फ्रूट भी हो और हरी भरी सब्जियां भी हो। रुकना तेरा काम नहीं, चलना ही तेरी शान, चल चल रे नौजवान। जी हाँ जनाब, फिलहाल लेते हैं आपसे अनुमति, अगले हफ्ते होंगे फिर मुखातिब किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।